विरोधी कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने इस मामले में एसडीएम बलवीर रमन को ज्ञापन सौंपा और अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के तहत हटाए गए लोगों को उनका अधिकार देने की मांग की है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। कटनी में जो चौपाटी को विक्रय करने का उन्होंने निर्णय लिया है, अपने आप में वह निर्णय बहुत ही निंदनीय है। हम इस निंदनीय निर्णय की घोर विरोध करते हैं इसका, और हम इस बात को हमने ज्ञापन देकर आज एसडीएम साहब को माननीय कलेक्टर महोदय के लिए हमने ज्ञापन सौंपा है, और हमने इस बात के लिए उनको आश्वस्त भी कराया कि अगर इस निर्णय को आप वापस नहीं लेते हैं तो जल्द हम अपने पूरे साथियों के साथ बीच चौपाटी में पंडाल टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। कलेक्टर महोदय से उनकी जानकारी मंगाई गई है कि वर्तमान में क्या उपयोग हो रहा है और उनके अभिलेख भेजने के लिए किया गया। एनएसयूआई के द्वारा मांग की गई है कि इनको किसी अन्य विभाग को न दिया जाए और इसको जो राज्य शासन बेचने की उम्मीद उन्होंने जाहिर की है, शंका जाहिर की है, उसको बचाया जाए।